हाय एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, 1 मई 2023 से यहाँ पर हर एक टेलीकॉम कंपनी, चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो, वी आई हो या यहाँ पर BSNL हो, इन सारे कंपनीज में यहाँ पर इनकमिंग और SMS का जो कि कुछ रूल यहाँ पे चेंज होने वाले हैं, जो कि 1 मई 2023 से लागू होगा। किस प्रकार का यह अपडेट है, क्या क्या इसमें आपको देखने को मिलने वाला है, एक एक जानकारी देंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए जानते हैं आखिर में 1 मई से क्या इनकमिंग कॉल में और SMS में हमें जो कि देखने को मिलने वाला है, किस तरह का बदलाव होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें हेडलाइन की, तो यहाँ पे हेडलाइन हमें देखने को मिलता है 1 मई से नया नियम, इनकमिंग कॉल और SMS में होंगे ये बदलाव। तो क्या बदलाव होंगे इसकी जानकारी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई, जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं इनका जो कि टावर का जो जीमा रहता है या ट्राई का ही रहता है, ट्राई के द्वारा ही इनको चलना होता है, ट्राई के निर्देश में ही इनको मानना होता है। तो यहाँ पे ट्राई की तरफ से नियमों में बदलाव किया जाएगा। नए बदलाव के तहत ट्राई एक फिल्टर की व्यवस्था कर रही है, जिसके बाद 1 मई 2023 से फोन में फर्जी कॉलिंग और SMS नहीं आएंगे। यानी कि 1 मई 2023 से जो भी आपके कॉल फर्जी आते हैं आपके नंबर पे या मैसेज आते हैं फर्जी, वो आना बंद हो जाएंगे। यह काफ़ी दिनों से भी ऐसा न्यूज हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ जो कि थोड़ा मोड़ा बदलाव होकर के रह जाता है। तो क्या 1 मई 2023 से हमारे पास जो भी फर्जी कॉल आते हैं, जो भी यहाँ पे फ्रॉड के शिकार होते हैं, जो भी फ्रॉडिंग वाले कॉल आते हैं, उनसे हम बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, ये तो 1 मई 2023 के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसके आगे चलते हैं न्यूज में और हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम बताएं तो इसके बाद यूजर्स को फोन पर आने वाली अनजान कॉल्स और मैसेज की छुटकारा मिल जाएगी। इस बाबत ट्राई की ओर से टेलीकॉम कंपनियों को आदेश जारी कर दिया गया है कि ऐसे में टेलीकॉम कंपनियां 1 मई से फोन कॉल और SMS के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी स्पैम फिल्टर लगा रही है। यह फिल्टर फर्जी कॉल और SMS को यूजर तक पहुंचाने से रोकने का काम करेगा। तो यहाँ पर एक जो कि ट्राई जो कि यहाँ पे एक फिल्टर का यूज करेगी, जैसे कि जैसे अगर कोई ऐप रहता है तो उसमें हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे कुछ हमें अलग अलग सिस्टम्स देखने को मिलता है जो कि जिसके लिए बना होगा वैसे ही। तो यहाँ पे एक ट्राई की तरफ से जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी स्पैम फिल्टर, इसके द्वारा आपके पास ना ही फ्रॉडिंग वाला कोई कॉल आएगा, ना ही आपके पास कोई मैसेज आएगा, जो कि यहाँ पर 1 मई 2023 से ऐसा लागू होने वाला है। तो यह फिल्टर फर्जी कॉल और मैसेज की दूर यूजर्स तक पहुंचाने पर रोकने का काम करेगा। अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की ओर से AI फिल्टर लगाने की सुविधा शुरू कर दी गई है, जबकि जियो की ओर से अलग कुछ माह में जो कि फिल्टर लगाया जा सकता है। ऐसे माना जा रहा है कि भारत में AI फिल्टर की शुरुआत 1 मई 2023 से शुरू हो जाएगी। बता दें कि ट्राई की ओर से लंबे वक्त से फर्जी कॉल और मैसेज को रोकने के लिए नियम बनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी बार हमने भी आपको जो कि एक ना एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि ऐसा जो कि कुछ ना कुछ ट्राई करेगा, जिससे फर्जी या स्पैम कॉल जो हमारे पास आता है वो कॉल्स आना बंद हो जाएगा। यहाँ पे जो भी डाटा आपका लीक होता है उसके तहत ही ये लोग कॉल करते हैं और आपसे जो कि कुछ डिटेल्स लेते हैं और आपके साथ फर्जीवाड़ा कर देते हैं। ट्राई कॉलर ID फीचर्स पेश करने का काम कर रहा है, इसमें फ़ोन आने वाले कॉल वाले की फ़ोटो, नाम और डिस्प्ले होगा। इस सिलसिले में टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और जियो की ट्रू कॉलर ऐप्स की बातचीत चल रही है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां प्राइवेसी को लेकर के कॉलर ID फीचर्स लागू करने से बच रही है। तो यहाँ पे ID को लेकर के जो टेलीकॉम कंपनियां हैं या जो कि बचाव में कर रही हैं, यहाँ पे काफ़ी सर ऐसा भी सिम है कि दूसरा कोई यूज करता है, जैसे कि फैमिली मेंबर की बात करें तो अभी ऐसे भी कुछ सिम कार्ड है जो कि फैमिली के किसी दूसरे मेंबर के नाम से है और जो कि वो सिम कार्ड कोई दूसरा यूज करता है। तो यहाँ पे ट्राई का कहना है कि हम एक ऐसा जो कि ऐप लेकर के आएंगे या ट्रू कॉलर से हम बात करेंगे कि जिसके नंबर पर जो कि जिसके नाम पर जो नंबर होगा उसके साथ जो कि एक फ़ोटो भी रहेगा, अगर कोई कॉल करेगा तो उस तरह का फीचर्स यहाँ पे लाने की सोच रहा है। तो यहाँ पे कुछ था आपको जो कि अपडेट जो कि मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे आपका 1 मई 2023 से आपके पास जो कि हो सकता है कि फ्रॉडिंग कॉल और SMS ना आए, ऐसा जो कि ट्राई का कहना है, लेकिन आगे किस हद तक यह सही रहता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो बस यही छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। क्या फर्जी कॉल्स और SMS आना बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।